स्कोलियोसिस होने के पीछे बहुत सारे कारण बताए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है इडियोपैथिक, कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम कोई कारण पता नहीं लगा पाते हैं, सारे टेस्ट उन सब में नॉर्मल आते हैं बट स्पाइन फिर भी टेढ़ी हो जाती है। दूसरा एक कारण है कंजनाइटल, मतलब जन्म से ही बच्चे के जो हड्डियां हैं वो मालफॉर्म्ड है। अगर कोई भी जो हमारी स्पाइन है वो एक के ऊपर एक दूसरी बोन स्टैक करके बनी हुई है, उसमें से अगर एक भी बोन टेढ़ी हो जाती है तो पूरे की पूरी स्पाइन उसके ऊपर टेढ़ी होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कंजनाइटल स्कोलियोसिस बोलते हैं। इसका एक और कारण है कि कई बार अगर हम जवानी में हमें चोट लग जाती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो गए और वो फ्रैक्चर टेढ़ा होकर जुड़ जाता है, इसकी वजह से भी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। एक कारण दूसरा जो है वो है आपकी अगर हिप की पैथोलॉजीज हैं जिसकी वजह से जो आपका पेल्विस है वो टेढ़ा हो जाता है। जो हमारा पेल्विस है वो स्पाइन का बेस होता है, अगर बेस ही टेढ़ा हो गया तो हमारी स्पाइन वहाँ से टेढ़ा होना शुरू हो जाती है। एक दूसरा कारण है अगर आपके पैर छोटा बड़ा हो गया है, अगर किसी भी कारणवश अगर आपके किसी पैर में फ्रैक्चर हो गया है फिर उसका यूनियन के टाइम वो पैर छोटा हो जाता है तो उससे आपका पेल्विस टेढ़ा हो जाएगा एंड आपको स्कोलियोसिस डेवलप हो जाएगा। जो लास्ट एक जो अडल्ट एज ग्रुप में एक और महत्वपूर्ण कारण है वो है डिजेनरेशन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डिजेनरेशन अगर एसिमेट्रिक हो, आपकी जो एक साइड की स्पाइन है ज्यादा डिजेनरेट हो गई है एज कंपेयर टू अपोजिट, तो उसकी वजह से भी स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है।